हेलो, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मॉर्फी रिचर्ड का 29 लीटर का ओटीजी। ओटीजी यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर, बट ये ओवन टोस्टर ग्रिलर के साथ साथ एयर फ्रायर का भी काम करता है। तो चलो इसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके आगे फीचर्स। बॉक्स ओपन हो चुका है, अब हम इसके अंदर की एसेसरीज़ देखेंगे। एसेसरीज़ के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ये फ्राई ट्रे मिल जाती है। फ्राई ट्रे के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। ये ट्रे हैंडल दिया हुआ है, ग्रिप हैंडल यानी। ये रोटेसरी दी हुई है, 360 मोटराइज्ड रोटेसरी, और ये रोटेसरी हैंडल दिया हुआ है जिसके आप रोटेसरी निकाल सकते हैं इजीली। और ग्रिलिंग के लिए दिया हुआ है ग्रिलिंग ट्रे। ये रोटेसरी के अंदर यूज़ होने वाली एसेसरीज है। दो साल की वारंटी आती है, ये वारंटी कार्ड है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और ये यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर आपको ओटीजी को यूज़ करने के बारे में डिटेल लिखी हुई है। साथ में आपको ये बेकिंग ट्रे भी मिल जाएगी जिसके अंदर दोनों यूनिक डिज़ाइन दी हुई है, एक साइड फ्लैट सरफेस है और एक साइड ग्रिल डिज़ाइन है जिसमें आप बहुत सारी बेकिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी डिजिटल ऑपरेटिंग पैनल के बारे में। जैसे हम इसे स्टैंड बाय मोड से हटाएंगे, ये कम्प्लीटली डिजिटल ऑपरेटिंग पैनल है जहाँ पर आपको ऊपर फ़ैन और रोटेसरी दिखेंगे, ये दोनों हीटर के सेपरेट टेम्परेचर, और ये नीचे टाइम, और ये सारे डिजिटल ऑटो कुक मेन्यू है। ये स्टैंड बाय मोड है, ये प्री हीट मोड है, ये बेक मोड है, टोस्ट, ग्रिल, रोस्ट, कुकीज़, बैंगल्स, पिज़्ज़ा, टिक्का, एयर फ्राई, डिहाइड्रेट, डिफ्रोस्ट। तो ऐसे हम सारे प्री प्रोग्राम मेन्यू यूज़ कर सकते हैं और उसका टाइम और टेम्परेचर अपने आप शो करेगा। ये मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड में हम देखेंगे कि कैसे टाइम और टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे मैं टॉप हीटर का यानी टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसका 170 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, और जैसे हम बॉटम सिलेक्ट हीटर आता है तो उसमें आप 170-180 आप जो भी टेम्परेचर रखना चाहे वो रख सकते हैं। इसमें हम 190 डिग्री टेम्परेचर सेट करके आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ टाइम पूछ रहा है, टाइम आप जो भी रखना चाहे अकॉर्डिंग टू रेसिपी वैसे रख सकते हो। और जैसे ही करोगे स्टार्ट तो ये ऑन हो जाएगा, टॉप हीटर 170 डिग्री टेम्परेचर पे और बॉटम हीटर 190 डिग्री पे। ये मैंने स्टॉप कर दिया। आप यहाँ से फ़ैन और रोटेसरी को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, जिसे आप कोई भी रेसिपी में कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग आप रेसिपी का टाइम, टेम्परेचर, मोड सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा 29 लीटर का एयर फ्रायर विथ ओटीजी। ये इसके अंदर बेकिंग ट्रे दी हुई है, वायर रैक स्टैंड दिया हुआ है, ग्रिलिंग ट्रे बोलते हैं, ये फ्राई ट्रे है, ये रोटेसरी दी हुई है। आप इस तरह इस एसेसरीज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कन्वेक्शन फ़ैन दिया हुआ है जिसकी वजह से फ्राई तो होता ही है, साथ साथ में बेकिंग में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें लाइट दी हुई है जिसे आप कोई भी रेसिपी क्लियरली देख सकते हो। ये था आज 29 लीटर का ओटीजी विथ एयर फ्रायर। आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे हम कौन कौन सी रेसिपी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।